हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो। मैं हूं दीपक और आपके अपने चैनल डीके राइडर में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे सामने है टीवीएस की रेडर 125 BS6 2023 का सबसे लेटेस्ट मॉडल, और यहां पर आप देख सकते हैं 2022 मॉडल भी हमारे साथ में है। तो यहां पर 2023 मॉडल में क्या नया अपडेट किया गया है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये TVS Raider 125 2023 का मॉडल है। इसमें बहुत सारे आपको अपडेट किए गए हैं, लेकिन आपको इसमें कॉस्मेटिक जो चेंज है वो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस बाइक में जो सबसे बड़ा मेजर अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले आपको दिया गया है। मीटर कंट्रोल जो है बहुत ही अच्छा दिया गया है, मतलब आपको काफ़ी बड़ा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला देखने को मिलेगा। साथ में मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, इसमें आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन इसके स्विच बार आपको पूरी तरह बदल दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मेनू की बटन और यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल रही है। यहाँ पर नेक्स्ट जो बदलाव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर भी आपको इस बाइक में देखने को मिल रहा है, और जो बाइक है ओवरऑल आपको सेम देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो बाइक है इसे हम ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने ऑन कर दी और अब देख सकते हैं इसका एनिमेशन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और इसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। और इसमें आप देख सकते हैं, पहले तो सबसे पहले इसका कलर देखिए, कलर काफ़ी प्यारा कलर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कलर मिलेगा, और ये आपको देखने को मिलेगा इको मोड में। यहाँ से आप जैसे इसका पावर मोड चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही अलग आपको नया कलर देखने को मिल जाएगा। तो कलर भी आपको यहाँ पर चेंज हो जाएगा और पावर भी आपको यहाँ पर बदल जाएगी। तो ये आप मेजर डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप जैसे देखेंगे, इसमें फ़ीचर भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर आपको ऊपर RPM देखने को मिल जा रहा है। यहाँ से कुछ ऐसा RPM देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर फ्यूल गेज, पावर में आपको कुछ ऐसा कलर देखने को मिलेगा, न्यूट्रल, ट्रिप, PA और जो भी है इसमें आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको एवरेज स्पीड और ऑडोमीटर देखने को मिलेगा। तो ये तो इसके इन डिस्प्ले की बात हो गई। यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिलेगी, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, RPM तो आपको मिल ही जाएंगे, लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप इसमें देखेंगे तो मेनू की बटन देखने को मिलेगी। यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें आपको रेंज भी देखने को मिलेगी, एवरेज माइलेज, AAA, BBB, और ये आपको टोटल रेंज। यहाँ पर आपको ऑडोमीटर और एवरेज स्पीड आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर और आई बटन मिल जाएगी, जो कि काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो मैं पहले इसे इको मोड में कर लेता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है मुझे देखने में, और इसे एक बार ऑफ़ कर देता हूँ। इसके मीटर कंट्रोल में आप देखेंगे, सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आपको TVS का लोगो और ये फुली आपको TFT डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। और यहाँ से जैसे ऑन करेंगे तो टर्न इंडिकेटर, वार्निंग लाइट और हाई बीम, इंजन चेक, यहाँ पर आप देखेंगे लो फ्यूल इंडिकेटर, और यहाँ से ABS, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर और टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। एनिमेशन आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। जैसे आप ब्लूटूथ से अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर भी देखने को मिलेंगे। तो मेजर अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा हुआ, ब्लूटूथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस बाइक में। और यहाँ पर आपको पहले से भी आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है, आपको यहाँ पर आप अपनी किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं जो आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं TVS का लोगो, और यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर, इंजन, और यहाँ पर आपको हॉर्न देखने को मिलेगा, पावर और इको मोड और इंजन किल, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेल्फ स्टार्ट की स्विच। और यहाँ पर इस बाइक में कोई भी कॉस्मेटिक चेंज नहीं हुआ है, आपको सेम बाइक देखने को मिलेगी। दोनों बाइकों में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। साथ में मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो यहाँ पर दोनों बाइकें आपको सेम बिल्कुल नज़र आएंगी, कोई भी बदलाव नहीं नज़र आएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है, इसको प्राइस को लेकर किया गया। इसका जो प्राइस होने वाला है दोनों बाइकों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। ये अगर आपको 100, ये आपको 2023 मॉडल है और 2022 मॉडल में आपको कुल मिला के 10,000 रुपये का अंतर आने वाला है। तो अगर आप 10,000 रुपये बचाना चाहते हैं तो आप 2022 मॉडल यानी इसका
फर्स्ट वर्जन आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपको कुछ नया और बिल्कुल यूनिक चाहिए तो आप 2023 मॉडल में जा सकते हैं बेसिकली, और ये आपको बहुत ही फीचर लोडेड बाइक देखने को मिलेगा। फ़ीचर इसमें भी मिलेंगे लेकिन इसमें आपको कुछ एडवांस फ़ीचर देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं दोनों की प्राइस की, तो ये दोनों बाइकें आपको मिलेंगी आकांक्षा TVS नियर शनिदेव मंदिर GT रोड नवाबाग फतेहपुर उत्तर प्रदेश में, और इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है ये आपको 121,500 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्स, और ये बाइक आपको देखने को मिलेगी 111,500 के आसपास। तो मतलब इसमें आपको कुल मिला के दोनों बाइकों में 10,000 रुपये का अंतर आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपको फ़ीचर भी आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप ये दोनों बाइकों में कौन सी लेना पसंद करेंगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे पर्सनली ये बाइक पसंद आती है। और बात करें इसके माइलेज की, तो माइलेज आपको इसमें 55 और 60 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, 55 से 60 में इसका माइलेज देखने को मिल जाएगा, और स्पीड भी आपको काफ़ी बढ़िया इसमें देखने को मिलेगी। तो ये दोनों बाइकों में आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।